नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं उत्तर प्रदेश सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। कलयुगी बहन ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर की अपने सगे भाई की हत्या। एसपी साउथ ने कहा, प्रेम संबंधों में बाधा बन रहा था भाई, प्रेमी के साथ मिलकर भाई को रास्ते से हटाया। पुलिस को भी किया गुमराह करने की कोशिश। महानगर स्थित कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक लान में शनिवार की रात में एक लड़की द्वारा की गई 4.25 लाख की हैरतअंगेज चोरी। गोरखपुर न्यूज का मात्र 22 मिनट की लाइव चोरी पर विशेष रिपोर्ट। मौनी अमावस्या पर राप्ती नदी सहित आसपास की नदियों में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, भजन कीर्तन के साथ किया दान। चोरी के सामानों के साथ 3 शातिर चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। एसपी नार्थ ने कहा, घरों और दुकानों में देते थे चोरी की घटना को अंजाम, 6 मामलों का हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच की संपन्न हुई बैठक। 6 से 12 फरवरी तक होने वाले महा हड़ताल के सफलता की बनी रणनीति। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान का कांग्रेस ने काली पट्टी बांध कर किया विरोध, किया आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने विभिन्न मांगों को लेकर 6 फरवरी को धरना प्रदर्शन का किया आह्वान। बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित हुई 8 जिलों के क्षेत्रीय पदाधिकारी, जिलाधिकारी और जिला प्रभारी की आवश्यक बैठक। जिला कांग्रेस कमेटी ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी की मांग। और अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने 10 सूत्रीय मांग को लेकर दिया धरना, जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को दिया ज्ञापन। अब समाचार विस्तार से। प्रेम संबंधों में बाधा उत्पन्न कर रहे सगे भाई को कलयुगी बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया और मामले पर पर्दा डालने के लिए उसे गांव के पास ही आलू के खेत में फेंक दिया तथा 5 लोगों के खिलाफ बेलघाट थाने में तहरीर दर्ज करा दिया। लेकिन पुलिस तफ्तीश में मामला कुछ और ही निकला, जिस पर पुलिस ने हत्यारोपी बहन और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान बेलघाट थाना क्षेत्र के बरपरवा बाबू निवासी धर्मेंद्र पुत्र विमल तथा बेलघाट थाना क्षेत्र के ही पूजा उर्फ सोनाली पुत्री राम सुधारे के रूप में हुई है। पुलिस लाइन सभागार में पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बात की कि हत्यारोपी पूजा अपने बहन के देवर धर्मेंद्र से प्रेम करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसका भाई अरुण कुमार उसका विरोध करता था, जिससे तंग आकर पूजा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने भाई के गले को दुपट्टे से कसकर हत्या कर दी और शव को आलू के खेत में फेंक दिया तथा मामले को दूसरा रूप देने के लिए गले की ब्लेड से काट दिया। एसपी साउथ विपुल श्रीवास्तव ने बताया कि इस संबंध में पूजा ने अपने बचने के लिए 5 लोगों के खिलाफ तहरीर भी दी थी, लेकिन तफ्तीश में मामला कुछ और ही निकला और हत्या में शामिल पूजा और धर्मेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उनके पास से आला कत्ल दुपट्टा, ब्लेड और एक चाकू बरामद किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया। अपने भाई को मार दी हो तुम? कैसे मारी थी भाई को? भैया हो गए या भैया आप लोग क्या हो गए? चुप रहिए। शादी बात करती थी तो मारता था? नहीं, पापा बोल रहे थे शादी करने के लिए, लेकिन वो विरोध कर रहा था हमेशा। 4 साल से विरोध करता था, मारता था। कितने दिन से तुम्हारा ऐसे चक्कर था? दीदी की शादी जब हुआ 5 साल हुआ, 4 साल से चक्कर। तभी से विरोध करता था तुम्हारा भाई? लेकिन पापा बोल रहे थे शादी करने की, लेकिन मेरा भाई बहुत विरोध करता था, बहुत मारता था। तो घर आने जाने से ही एक दूसरे को हुआ? हाँ। उस रात क्या हुआ था, कैसे, कितने बजे आया तुम्हारे पास? 10 बजे वाली। कौन? वही लड़का धर्मेंद्र। 11:30 बजे की 12 बजे आए। फिर क्या हुआ? या उसके बाद हम लोग मतलब साथ में सोए थे, देख लिया वो? नहीं, मतलब कुछ देखा नहीं, बस बात कर रहे थे हम लोग। तो उसके बाद लगा गाली देने, हमको मारने लगा, उसके बाद हम ही ऐसा क्या कर दिए। तो जैसे गाली देने लगा, मारने लगा, तो बाकी लोग भी तो जग गए होंगे घर के लोग? नहीं, कोई ना था, मेरी सिस्टर थी, वो अलग रूम में सोई थी।
बाबा जो तुम्हारे थे बाबा हमारे बाहर है, मकान के बाहर है। कोई ये बात उसकी गाली सुन नहीं पाया, बस तुम ही आपस में गाली देने को जैसे तुम लोगों ने इरादा बना दिया कि उसकी हत्या करनी है, मारना है। हाँ, मारने लगा। तो प्लान बना की थी, अचानक हो गया ऐसा? नहीं, अचानक। दिनांक 1 तारीख को एक युवक की शव मिला था बनकट में, थाना बेलघाट में। पता करने पर वो गांव का ही लड़का अरुण कुमार था जिसकी हत्या की गई थी। इस संबंध में दोस्त को सुबह उसके बहन द्वारा एक तहरीर दी गई, इसमें 5 अभियुक्तों को नामजद किया गया। उस तहरीर पे और पूछताछ और आसपास के जानकारी से ये हुआ कि मामला जो नामजद अभियुक्त हैं वो संदिग्ध है, वो सही नहीं है। इस पे हम लोगों ने CDR मांगा लड़की का, और कुछ संभावनाओं के आधार पे उसको ट्रेस किया गया। उससे ये क्लियर हुआ कि वो लड़की जो मृतक अरुण की बहन है पूजा, जो मुकदमा वादनी थी, और उसका एक प्रेमी जिससे उसका विवाह होना था, वो उसकी बहन माधुरी का देवर था, जो कि नारायणपुर, जो कि वो बरपुरवा बाबू का रहने वाला था, उससे पूछताछ की गई। तो ये क्लियर हो गया कि इनके द्वारा ही हत्या की गई है। आज 4 तारीख को थाना अध्यक्ष द्वारा उसे गिरफ्तारी की गई है। दोनों अभियुक्तों ने अपना जुर्म कबूल किया है। कारण ये था कि वो लड़का जो था वो बार बार रजिस्ट करता था कि मैं तुम्हारी शादी इससे नहीं होने दूंगा, मैंने बहन के देवर से नहीं होने दूंगा, मेन यही था। और उस समय तात्कालिक रूप से उनको आवेश आ गया, और लड़का चूँकि धर्मेंद्र उसके घर गया हुआ था मौके पर, और मृतक अरुण जो कमरे में सो रहा था उसको देख के इन सब ने एक प्लान बनाया और उसकी हत्या कर दी। प्रेम सर, लड़की का भी उसमें संलिप्तता था हत्या के समय? हाँ, लड़की ने अपने जो पूजा है अपने दुपट्टे से उसका गला दबाया, और गला दबाने के बाद उसका दम घुटने से मृत्यु हो गई, जिसको फिर लड़का धर्मेंद्र जो है वो उसे कंधे पे लेके और इसकी सहायता से वो आलू के खेत में ले जाके फेंके। फिर पूजा जाके एक ब्लेड ले आई, ब्लेड से उसके गर्दन को काट दिया। तो कितने लोग गिरफ्तारी हुई अब तक? 2 अभियुक्त हैं, दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई। महानगर स्थित कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक लान में शनिवार की रात लड़की की बारात में करीब रात 8 बजे एक लड़की द्वारा लगभग 22 मिनट में 3,75,000 की चोरी हो गई। पीड़ित परिवार की लड़के के भाई ने बताया कि लड़की या लड़का द्वारा मेरा पैसा चोरी कर लिया गया, करीब 3,75,000 की चोरी हुई है, जिसकी शिकायत मैंने कोतवाली थाना जाकर थानेदार को दी, जिस पर कार्रवाई न होने से आहत होकर सोमवार की सुबह मुकदमा दर्ज करने की गुहार SSP कार्यालय में आकर लगाई, जिसमें मुझे मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन मिला है। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए लड़की के भाई किशन जायसवाल ने कहा,
किशन जायसवाल। मैं कलेक्ट्री में एसपी साहब के पास, हम आए थे मिलने के लिए। एसएसपी साहब ने सुना मेरा काम, एफआईआर दर्ज करने के लिए उन्होंने कहा है। क्या सब मामला? ये मेरी सिस्टर का कल शादी था 3 तारीख को सिप्रा लॉन में। सिप्रा लॉन में शादी मतलब 8 बजे स्टार्ट होने वाला था प्रोग्राम। 8 बजे एक लड़की एक लड़का, या लड़की करीब 12 साल की थी और लड़का करीब 22 साल का एज का था। वो दोनों आए थे कमरे में, हम लोग कपड़ा चेंज कर रहे थे, उसी समय लड़की और लड़का दोनों मतलब मेरा पैसा चोरी कर लिए। कितना पैसा चोरी हुआ? करीब 375,000 रुपये था। इसकी शिकायत की आपने? हाँ, इसकी शिकायत हम थाने पे किए हैं। कोतवाल सुन नहीं रहा था हमारा बात। मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर हजारों श्रद्धालुओं ने सोमवार को मौन धारण कर आस्था के साथ राप्ती नदी सहित आसपास के महत्वपूर्ण नदियों में डुबकी लगाई। आस्थावान लोगों ने रेतीले तट पर विधिवत पूजा पाठ और भजन कीर्तन कर श्रद्धा से दान भी किया। स्नान के लिए सरयू राप्ती कुआनो नदियों के रेतीले तट पर जुट हजारों श्रद्धालुओं ने मौन धारण कर आस्था की डुबकी लगाई। मंगल गीत का गान करते हुए महिलाएं नदियों के तट पर पहुंची। रेतीले भाग से तट पर पैदल पहुंचने के लिए लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी। सर्द हवाओं के बीच पड़ी ठंड में भी नदी में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह दिखा। स्नान करने के बाद आस्थावानों ने तट पर मौजूद ब्राह्मणों से कथा श्रवण करते हुए गौदान किया। बाद में तट किनारे विधिवत पूजा अर्चना कर परिवार के लिए मंगल कामना की। भजन कीर्तन से नदी तट का माहौल भक्तिमय हो उठा। वहीं राजघाट पुल स्थित राप्ती नदी तट पर भी आस्थावानों ने श्रद्धा के साथ डुबकी लगाई। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए शेषनाथ पांडे ने कहा। शेषनाथ पांडे। इसका हिंदू धर्म का देखिए बहुत बड़ा महत्व है। ये माँ के महीने में पड़ता है, उन्हें मौनी अमावस्या जो है इसका बहुत बड़ा महत्व कर है उन्हें। और ये मेन नहान तो आपका जो उन्हें प्रयागराज का है, उन्हें लेकिन वहाँ नहीं लोग पहुँच पाते हैं तब ना आके राप्ती नदी पर जो है स्नान करते हैं, इसका यही महत्व है। जंगहा पुलिस ने चोरी के सामानों के साथ 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनकी पहचान पिपराइज थाना क्षेत्र निवासी आमिर हमजा पुत्र स्वर्गीय सादिर अली, जंगहा थाना क्षेत्र निवासी गोलू पुत्र ब्रिजराज तथा कुशीनगर जिले के थाना हाटा निवासी सलाउद्दीन पुत्र नसरुद्दीन के रूप में हुई है। पुलिस ने इन लोगों के पास से चोरी की 2 बाइक, 2 इन्वर्टर, 3 बैटरी, 1 CPU, 4 गैस सिलेंडर, 1 लैपटॉप, डाटा केबल, कपड़ा, 4 LCD सहित भारी मात्रा में बर्तन और अन्य घरेलू सामान बरामद किया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए SP नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये लोग घरों और दुकानों में चोरी किया करते थे। उन्होंने बताया कि चोरी के सामानों को ये लोग बेचने के फिराक में थे, तभी पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की भारी मात्रा में सामान बरामद करते हुए 6 मुकदमों का खुलासा किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने बताया। आज 3 सादे चोरों को हमें जंगहा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनके ऊपर कम से कम 6 मुकदमों का भी उद्घाटन हुआ है, काफ़ी सामान बरामद हुआ है। 3 मोटरसाइकिल हैं, कंप्यूटर के LCD हैं, गैस सिलेंडर, कपड़े, मतलब ये हर एक किस्म की चोरी करते थे।
खजनी, सिकरीगंज, राजघाट, गुलरिया, थाना जंगला, इनके मामले अभी तक इनको उद्घाटित हुए हैं। इनसे काफ़ी सारी मात्रा में सामान रिकवर किया गया है और मुलजिम जो है अभी हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। चोरी अब इनका नेचर है, मतलब ईमानदारी से नहीं कमा सकते तो चोरी करते हैं, चोरी करते हैं। कम उम्र के लड़के हैं और काफ़ी सारी चोरियाँ उन्होंने बताई हैं। इनके कुछ साथी जो है अभी निगाह में आए हैं, जहाँ ये चोरी का सामान खपाते थे उनकी भी हम लोग तलाश कर रहे हैं। उनकी मतलब जब तलाश पूरी होगी तो उम्मीद है कि और भी मामले उद्घाटित होंगे। दुकानों में भी, मकानों में भी चोरियाँ की हैं, जैसे कि सामान जो है आप लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच गोरखपुर इकाई की आवश्यक बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अध्यापक भवन के सभागार में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता मंच के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरेंद्र राय ने किया तथा संचालन जिला मंत्री श्रीधर मिश्रा ने किया। बैठक में 6 फरवरी से 12 फरवरी तक होने वाले महाहड़ताल की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए हरेंद्र राय ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदेश आह्वान पर गोरखपुर के कर्मचारी शिक्षक 6 फरवरी से 12 फरवरी तक हड़ताल पर रहेंगे। शहर में कार्यरत कर्मचारी शिक्षक और निकट के ब्लॉक पिपरौली, खोराबार, पिपराई, चरगामा, भटट और जंगल कोड़िया के कर्मचारी नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में एकत्र होंगे तथा शेष ब्लॉकों के लोग अपने अपने ब्लॉक के VRC पर 11 बजे से 3 बजे तक एकत्र होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला मंत्री श्रीधर मिश्र ने कहा, बहाली मंच के बैनर तले आज अध्यापक भवन में 6 फरवरी से 12 फरवरी के बीच होने वाले हड़ताल की तैयारी बैठक की गई है। इस बैठक में निर्णय लिया जो है गोरखपुर के आपका जो लक्ष्मी बाई पार्क है जहां पे हम लोग प्रदर्शन धरना करते हैं वहां पे लोग इकट्ठा होंगे और जो दूर के ब्लॉक हैं वो अपने अपने VRC और अपने अपने जनपद मुख्यालय पर एक कर्मचारी शिक्षक बहाली मंच पेंशन पुरानी पेंशन बहाली मंच के पदाधिकारी कर्मचारी शिक्षक कर्मचारी जान से जान लगा देंगे पुरानी पेंशन बहाल करा करके रहेंगे और पुरानी पेंशन लेकर के ही रहेंगे। श्रीधर मिश्र, ऐसा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के हम लोग आंदोलन में हैं। इसके पहले हम लोगों ने धरना दिया और अब 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक महाहड़ताल होगी, जिसमें समस्त कर्मचारी और शिक्षक हड़ताल पर रहेंगे। उसी की तैयारी आज हम कर रहे हैं। जो गोरखपुर नगर के निकट के ब्लॉक हैं उसके कर्मचारी और शिक्षक नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में आएंगे और दूरस्थ ब्लॉकों के कर्मचारी और शिक्षक संबंधित ब्लॉक मुख्यालय के ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर बैठकर धरना देंगे। 12 तारीख जो अंतिम दिन होगा उस दिन सारे के सारे कर्मचारी रानी लक्ष्मीबाई पार्क आएंगे और उस दिन हम लोग रैली निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय तक जाएंगे और वहां पहुंच करके मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को देंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर के दिशा निर्देश पर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी के नेतृत्व में सोमवार को टाउन हॉल स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बीते दिनों प्रतीकात्मक पुतला बनाया गया और गोली मारकर राष्ट्रपिता का घोर अपमान किया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने हिंदू महासभा का घोर निंदा करते हुए उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग किया और काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हिंदू महासभा के द्वारा किए गए ऐसे अपमानजनक कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी, पार्षद संजीव सिंह सोनू, डॉक्टर सैयद जमाल, डॉक्टर वजाहत करीम, दिलीप जायसवाल, और हुसैन, दिलीप कुमार निषाद, नवीन सिन्हा, स्नेहलता, प्रेमलता चतुर्वेदी, मुस्तफा अंसारी, प्रहलाद कुशवाहा, धर्मराज चौहान, नासिर मुन्ना, उमेश चंद्र खन्ना, मनोज श्रीवास्तव, सुरेश प्रसाद चौधरी, ब्रिज नारायण शर्मा, तौकीर आलम सहित भारी संख्या में कांग्रेस शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉक्टर सुरीता करीम ने कहा, बापू हम शर्मिंदा है, बापू तेरा एक मार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तेरा एक मार नहीं सहेगा हिंदुस्तान है, कातिल तेरे जिंदा है, बापू हम शर्मिंदा है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस सोनिया जिंदाबाद।
देखिए ये एक बहुत ही निंदनीय काम हुआ है जो हमारे राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी जी, जिन्होंने देश के पूरे आज़ादी की लड़ाई को संजोया, उसको लीड किया और उसके बाद इस राष्ट्र का निर्माण किया जिस राष्ट्र के हम लोग इतने गर्व से अपने को भारतीय कहते हैं, और उस राष्ट्रपिता के एक पुतले को बना के उस पर गोली, एक पार्टी की जो हिंदू महासभा की नेत्री हैं उन्होंने मारी, गोली मारी, शायद अपनी एक सस्ती लोकप्रियता जुटाने के लिए किया होगा या जो भी उनकी अगर विचारधारा ऐसी रही है। हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका पुरजोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और हमारी मांग है कि ऐसी अगर किसी पार्टी में इस तरीके की कोई कार्यकर्ता है तो उसको तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई ली जाए, उस पर रासुका लगाया जाए और उसके ऊपर पूरा प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार उस पर पूरा अपना एक्शन ले और उस एक्शन को हम लोग होते हुए देखना चाहते हैं। ये हमारी मांग है क्योंकि इस तरीके का कोई भी अपमान, हम लोग अपने राष्ट्रपिता का अपमान सहन करने के लिए यहाँ पे खड़े नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी जनता पे के बीच में जाएगी, सड़क पे आंदोलन करेगी जब तक कि उनका ये जो कार्य करती हैं जिन्होंने इस तरीके की एक घृणित कार्य किया है, जब तक उनको पकड़ा नहीं जाए, उनको दंड नहीं दिया जाए, ये हमेशा के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए जिससे लोग ये माने कि हम लोग अपने राष्ट्र के जो गौरव लोग हैं उनकी हम लोग उनको संजो के रखते हैं, उनके सम्मान करते हैं, ना कि उनके ऊपर इस तरह से पुतला बना के और गोली मार के दिखाते हुए। ये एक बहुत ही घृणित कार्य है और ये इनकी जो दिमागी सोच है उसको दिखाता है कि किस तरह से अपनी पार्टी में अपने को हाईलाइट करने के लिए इस तरीके के काम करते हैं और शायद उनकी पार्टी के लोग इसको लाइक करते होंगे, वाहवाही करते होंगे, इससे उनको पद में गरिमा प्राप्त होती होगी और इसीलिए वो लोग इस तरीके के कार्यों को करते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अपमान है और इसके ऊपर कार्यवाही तुरंत होनी चाहिए, इनके ऊपर रासुका लगनी चाहिए, यही हमारी मांग है। FIR दर्ज हो चुका है पहले से, अभी केवल FIR दर्ज होने से काम नहीं चलेगा, उस पर तुरंत कार्य होना चाहिए, रासुका लगनी चाहिए और एक राष्ट्रपिता का अपमान करने पे ऐसे लोगों को सस्ते में छोड़ नहीं देना चाहिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। कलयुगी बहन ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर की अपने सगे भाई की हत्या। एसपी साउथ ने कहा प्रेम संबंधों में बाधा बन रहा था भाई, प्रेमी के साथ मिलकर भाई को रास्ते से हटाया, पुलिस को भी किया गुमराह करने की कोशिश। महानगर स्थित कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक लान में शनिवार की रात में एक लड़की द्वारा की गई 4.25 लाख की हैरत अंगेज चोरी। गोरखपुर न्यूज का मात्र 22 मिनट की लाइव चोरी पर विशेष रिपोर्ट। मौनी अमावस्या पर राप्ती नदी सहित आसपास की नदियों में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, भजन कीर्तन के साथ किया दान। चोरी के सामानों के साथ 3 शातिर चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। एसपी नार्थ ने कहा घरों और दुकानों में देते थे चोरी की घटना को अंजाम, 6 मामलों का हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच की संपन्न हुई बैठक। 6 से 12 फरवरी तक होने वाले महा हड़ताल के सफलता की बनी रणनीति। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान का कांग्रेस ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध, किया आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने विभिन्न मांगों को लेकर 6 फरवरी को धरना प्रदर्शन का किया आह्वान। बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित हुई 8 जिलों के क्षेत्रीय पदाधिकारी, जिलाधिकारी और जिला प्रभारी की आवश्यक बैठक। जिला कांग्रेस कमेटी ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी की मांग। और अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने 10 सूत्रीय मांग को लेकर दिया धरना, जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को दिया ज्ञापन। अरकम सी ट्रेवल्स आर्य खान मार्केट के निकट मदीना मस्जिद रेती चौक आपके लिए लाए हैं उमराह का खूबसूरत मौका। आप घर बैठे ही उमराह की सारी तैयारियां कर सकते हैं, वो भी बेहद कम खर्चों में। साथ ही ट्रेवल एजेंसी की तरफ से तोहफे में हर हाजी को 3 बैग और 1 एहराम दिया जाएगा।
चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर मल्टी स्पेशलिटी सुविधाओं से युक्त आपके गोरखपुर शहर में मॉड्यूलर आईसीयू, एनआईसीयू और डायलिसिस की विशेष सुविधा। साथ ही हमारे यहां पर हैं जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, न्यूरोसर्जन, हृदय रोग विशेषज्ञ, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी की भी उत्तम व्यवस्था। हमारी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर सोना घोष इनफर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के माध्यम से निसंतान दंपतियों के लिए आईवीएफ, इक्सी, IUI लेजर हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर विधि द्वारा संतान सुख प्राप्त करें और सिटी स्कैन, 2D इको और पेस मेकर लगाने की उत्तम व्यवस्था। तो संपर्क करें डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर, रेल विहार, मेडिकल कॉलेज रोड, चरगावा, गोरखपुर। हेल्पलाइन नंबर 7706900028। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद, रेड रॉयल चाय। बात करके देखते हैं ना, बात करनी चाहिए बात। अमु, बात बात ऐसी है कि एक बार बात करना चाहता हूं मैं तुमसे। बात तो कर सकते हैं ना हम लोग। अब मुझे ऐसा लगता है अमृता कि होता है, हो जाता है, समझता बेटर है। मैं क्या कह रहा था? अमू, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। कभी ना कभी तो बात करनी थी। नहीं, टाइम आ गया है, हमें बात करनी चाहिए। हाँ, है ना पापा? हाँ, किससे बात कर रहे हो? अम्मू, किसी से नहीं। ओ, वो मेरी अम्मू अब बड़ी हो गई है ना, तो इसलिए मैं कोई भी बात मुश्किल नहीं, बस शुरू करने की देर है। इस डॉटर्स डे लेट्स टॉक पीरियड्स। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स, सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बौद्धिक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि 6 फरवरी को पार्टी नेतृत्व द्वारा पूरे देश में व्यापक धरना प्रदर्शन करेंगे। उसी क्रम में गोरखपुर में धरना प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व मंत्री जयप्रकाश यादव एवं बौद्धिक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक मिश्र करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बौद्धिक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक मिश्र ने कहा, आपसे तो खैर कौन कौन नहीं जानता, नाम ही अपने आप में परिचय है। हमारी पार्टी के सदैव महासचिव जी भी हैं और सचिव जी जनता की वेदनाएं हैं, जनता की समस्याएं हैं, तो जो जनता के दुख दर्द हैं उनको स्वर देने के लिए, और आप देश पूरा का पूरा कर्जे में डूबा जा रहा है। कर्ज से अभी एक परिवार ने आत्महत्या किया, देश पर नहीं है, रूस और सोवियत पे हुआ था तो वो बिखर गया। और मैं आग्रह करूंगा आदरणीय जयप्रकाश जी से कि कुछ संवेदनशील मुद्दों पर आप स्वयं प्रकाश डालें। बस इतना आपसे आग्रह है कि जो लोग ये कहते हैं कि यह नई पार्टी नई पार्टी, दरअसल यह नई पार्टी लोहिया की विरासत की पार्टी है। सिर्फ नाम नया है, वरना हमारा इतिहास काफी व्यापक काफी पुराना। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य जनता के दुख दर्द दंश दलन और चुभन को स्वर देने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 6 तारीख को गोरखपुर समेत पूरे देश में व्यापक धरना प्रदर्शन करेगी। गोरखपुर में इसकी अगुवाई श्रद्धेय जयप्रकाश यादव जी करेंगे, जो सामाजिक न्याय के अग्रगण्य योद्धाओं में से एक हैं। आज देश के ऊपर 540 अरब डॉलर का कर्ज बढ़ चुका है, 12.6% से कर्ज बढ़ रहा है। अभी आपने गोरखपुर में देखा कर्ज से एक व्यापार किस तरीके से आत्महत्या करने को अभिशप्त हुआ। यदि मोदी सरकार दोबारा आती है तो पूरा का पूरा देश कर्ज के जाल में फंसता हुआ नजर आएगा। ये विरोध प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये 6 तारीख को है और उसके बाद तो हम लोग माई पार्टी चुनाव में उतर जाएगी। मेनिकेज स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर सोमवार को क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 8 जिलों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी की आवश्यक बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि संगठन के क्षेत्रीय महामंत्री रत्नाकर ने पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में पुष्पदंत जैन, जनार्दन तिवारी, दुर्गा राय, देवेंद्र यादव, सहजन नंद राय, जयप्रकाश शाही सहित 8 जिलों के क्षेत्रीय पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी मौजूद रहे। इसको थोड़ा प्राथमिकता में ले, फिर अवसर आएगा तो हम लोग बात करेंगे इस पर। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में आने की व्यवस्था हम लोग की यहाँ कुछ चर्चा हो गई, सूचना नीचे हो गई होगी, अभी तक हो गई है नहीं है तो प्रवेश का यहाँ से आप लेकर के लेकर आएंगे, इस प्रवेश का के वितरण की व्यवस्था आपको करानी। इसीलिए बड़ी साइज का जो छोटी साइज की प्रवेशिका है वो मंडल के पदाधिकारी उसके नीचे के सभी कार्यकर्ताओं के लिए है, मोर्चे के जिले के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष छोड़कर जिला पदाधिकारी, और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष छोड़कर मंडल पदाधिकारी, इसके नीचे के सभी को वो प्रवेशिका देना है। जिला पदाधिकारी क्षेत्र के प्रकोष्ठ प्रकल्प विभाग के क्षेत्र संयोजक सह संयोजक जिला स्तर के चेयरमैन उनको यह प्रवेशिका दे, किसी आयोग वगैरह के सदस्य हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, राष्ट्रीय को विशिष्ट की प्रवेशिका दे तो पर्याप्त मात्रा में है। सूचियां चूंकि आपके यहाँ यह प्रवेशिका देते समय सूची बनाकर देंगे तो कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इसकी बनाकर रखें, 150-200 लोगों की सूची बनेगी, एक जिले से 100-150 से ज़्यादा की नहीं होगी, कहीं भी इतने लोगों की एक विशिष्ट की सूची अपने यहाँ बना रहे हैं उनको विश्वास देनी, सामान्य दोनों सामान्य थोड़ा सा बैठने की व्यवस्था हो। जिनके नाम हमने नहीं बताए मतलब सांसद, क्षेत्र के अध्यक्ष, महामंत्री, सभी राज्य सरकार और प्रदेश सरकार के मंत्री और जो सीनियर लोग हैं उनकी प्रवेशिका अलग है, उनकी प्रवेशिका उनके पास जाएगी, तो यह जरा ध्यान में रखने का है। स्पष्ट हो गए? अब आप इसके वितरण की व्यवस्था भी करा ही लेंगे, उस पर हम नहीं कुछ कह रहे हैं। मेरा कहना है ये सब होने के बाद ये लोग आएंगे कैसे, विषय कुछ जिले में व्यवस्थाएं इसकी क्या बनेगी,
सुधा भाई साहब थोड़ा बड़े लोग आ रहे हैं, छोटे वाले का बंदा भेजा उसी नगर में कैसे करेंगे? अभी भी लैंड की लोगों से मेरी बात हुई नहीं है, सब लोग राजघाट थाना क्षेत्र में हुए सामूहिक आत्महत्या के संबंध में सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी गोरखपुर के जिला अध्यक्ष राकेश यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय से मिलकर ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने बताया कि साहबगंज के एक व्यापारी ने जिसके ऊपर सूदखोरों और कुछ व्यापारियों की रकम बाकी थी, जिस पर बलपूर्वक व्यापारी को अपमानित करके पैसा वसूलने की पद्धति से सामाजिक लज्जा के कारण अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लिया, जिसके संबंध में हमने आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया और मांग किया कि पीड़ित परिवार के बचे हुए एक बच्चे के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 25 लाख रुपये और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के गोरखपुर जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने कहा, राकेश यादव जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। कल साहेबगंज के एक व्यापारी ने सूदखोरी के चक्कर में और कुछ रकम कुछ व्यापारियों के उसके ऊपर बाकी थे, जिसका बलपूर्वक उसको अपमानित करके पैसा वसूलने की जो पद्धति थी, उस लज्जा से, उस सामाजिक लज्जा के कारण उसने अपने पूरे परिवार सहित आत्महत्या कर ली। हमने आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया और उसमें मांग किया है जो गोरखपुर शहर में जो भी सूदखोरी का धंधा है तत्काल उस पर रोक लगाई जाए, और अगर किसी व्यापारी का किसी व्यापारी के पास पैसा है तो उसको बड़ी नम्रतापूर्वक उसको मांगा जाए, एक व्यापारिक पद्धति जो होती है उस पद्धति के द्वारा मांगी जाए, न कि किसी गुंडे और बदमाश के मार्फत। हमने यहाँ मांग की है और उसके बच्चा जो एक बच्चा बचा हुआ है उस बच्चे को आर्थिक सहायता के लिए 25 लाख रुपया और सरकारी नौकरी की भी मांग की है, और उसकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि बहुत से नामों को उसने बताया है, उसकी बच्ची ने भी कुछ बयान दिए हैं, अगर उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं उस बच्चों को उत्पीड़ित करने का कार्य करेंगे, उनकी सुरक्षा की मांग हमने यहाँ किया है जिलाधिकारी महोदय से। सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए देश के लगभग 1/4 अनुसूचित जाति एवं जनजाति की आबादी का प्रतिनिधित्व पूरा न होने, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण न मिलने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त मोर्चा संगठन द्वारा सोमवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में एक दिवसीय धरना दिया गया। इस संबंध में अपनी 10 सूत्रीय मांग को लेकर जिला अधिकारी के माध्यम से पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। इस अवसर पर भारी संख्या में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए संयुक्त मोर्चा के मुख्य संयोजक हरीश गौतम ने कहा, जो भी आरक्षण का कोटा दिया गया है उसमें कहीं हंडा ना दूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। इस ज्ञापन में हमारा मुख्य मुद्दा है संशोधित SC/ST आरक्षण सुनिश्चित करने के संबंध में, ये हमने जो है राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, गृह मंत्री के नाम और निर्माताओं ने इस वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए मौलिक अधिकारों के अंतर्गत उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की थी। हरिशरण गौतम, ये जो हमारी संस्था है उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का संयुक्त मोर्चा, उसके तत्वावधान में हम यहाँ नगर निगम लक्ष्मीबाई पार्क में ये आयोजन किए हैं धरना प्रदर्शन का। हमारी यह मांग है इस ज्ञापन में कि SC/ST एक्ट को लागू करने के लिए तत्काल विज्ञप्ति जारी की जाए। जाते जाते एक नज़र हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। कलयुगी बहन ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर की अपने सगे भाई की हत्या। SP साउथ ने कहा, प्रेम संबंधों में बाधा बन रहा था भाई, प्रेमी के साथ मिलकर भाई को रास्ते से हटाया, पुलिस को भी किया गुमराह करने की कोशिश।
महानगर स्थित कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक लान में शनिवार की रात में एक लड़की द्वारा की गई 4.25 लाख की हैरतअंगेज चोरी। गोरखपुर न्यूज का मात्र 22 मिनट की लाइव चोरी पर विशेष रिपोर्ट। मौनी अमावस्या पर राप्ती नदी सहित आसपास की नदियों में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, भजन कीर्तन के साथ किया दान। चोरी के सामानों के साथ 3 शातिर चोर चढ़े पुलिस के हत्थे, एसपी नॉर्थ ने कहा घरों और दुकानों में देते थे चोरी की घटना को अंजाम, 6 मामलों का हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच की संपन्न हुई बैठक, 6 से 12 फरवरी तक होने वाले महाहड़ताल के सफलता की बनी रणनीति। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान का कांग्रेस ने काली पट्टी बांध कर किया विरोध, किया आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने विभिन्न मांगों को लेकर 6 फरवरी को धरना प्रदर्शन का किया आह्वान। बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित हुई 8 जिलों के क्षेत्रीय पदाधिकारी, जिलाधिकारी और जिला प्रभारी की आवश्यक बैठक। जिला कांग्रेस कमेटी ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी की मांग। और अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने 10 सूत्रीय मांग को लेकर दिया धरना, जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को दिया ज्ञापन। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।